वेलकम टू दमन सिंह रावत व्लॉग्स। तो देखो, अरे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हां ड्राइव चला जोर चला ले और जोर चला ले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ए बंद करते जाकर। समझदार है काफी। तो भाई आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग का व्लॉग देखना बड़े अच्छे से। भाई इधर आ जाओ बाबू, बाहर मत जाओ आप हमसे। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, और बिल्कुल निकल ही रही है। बस छोटा सा रूम टू जल्दी करा देता हूँ आपको। ये हमारा, इसमें देख लो 0.5 में ये हमारा रूम। इसके साथ ही जॉइन हमारा पापा वाला रूम। और आपको जगर साहब कैसे हो? सो भाई आपको व्यू दिखा देता हूँ पहले तो आपको ना, ठीक ठाक सा। वो झेलम रिवर है सामने कश्मीर की, और इससे पीछे डल लेक, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा रूम का छोटा सा व्यू 0.5 में। ये बात, ये और ये टॉयलेट। सब जा रहे हैं सीधे। ये हमारे बड़े भाई, हमारे मैरिड भाई, निकाल लो भाई इसे। कल हमारी यार की रह गई थी, हाउसकीपिंग को बुलाया था बहुत लेट। और ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी गैलरी कर रहा है। सामान भाई हमने रख लिया, गुलमर्ग ठंड बता रहे थोड़ी बहुत, तो देखते हैं। जैकेट वगैरह हमने रखनी है, बाकी हम नॉर्मल में जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत गर्मी पड़ती है। सही में कश्मीर में इस टाइम गर्मी है। तो अब सीधे गुलमर्ग चलते हैं, आपको रास्ते में जो भी ब्यूटी होगी आपको दिखाते हैं। यार लिफ्ट टाइम लगा रही है। देखो यार मतलब होटल है, रियलिटी में होटल ना हमारा बहुत सुंदर है। गैलरी बहुत ही प्यारी है। लिफ्ट यार हमने दबाई और वो, और भाई साहब और ऊपर चली गई। तो हम जरा भैया, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन, हम तो भागे भागे जाएंगे नीचे की तरफ। लो आगे इतने में तो ऊपर टाइम लगा रहे हैं। ये हमारे बड़े ब्लॉगर अभी शुरू होगा। ये अभी शुरू कर रखा है इसने। हाँ जी ये रिसेप्शन ही भाई, ये खोलने रखा है इसको, दिखाते हैं बहुत अच्छा अंदर से। और ये हमारा रिजॉर्ट का, ये मतलब खूब भीड़ है यार अब तो। यहाँ आज तो, कल तो दो ही गाड़ी थी जब आए थे। चलिए जी। सो भाई ये ओपन हो गया, और जाकर साहब भाई हमारे लाइटिंग जला रहे। भाई बहुत ही सुंदर है ये रिजॉर्ट तो यार लिटरली। और यहाँ से वो गैलरी भी है शायद, मतलब पीछे का देखो सीन मतलब है यार कुछ अच्छी चीज़ ही। मतलब क्या है, पार्किंग है इसमें तो अंदर। मतलब बैठ के ना आप आराम से शांति से कुछ डिस्कस कर लो, खा लो पी लो। खाने पीने का रेस्टोरेंट ऊपर है, खाना बहुत ही बढ़िया था भैया। चिकन जा रहे हैं लाइक कमेंट एंड शेयर द मनोज सिंह रावत व्लॉग। सत्यानाश। सो भाई अब आ चुके हैं हम गुलमर्ग की वादी हो गई है। देखो कितना प्यारा रोड है यार है। मतलब सोनमर्ग इसका पूरा डिफरेंट है। वो मतलब वो बर्फ से जाना जाता है, और यहाँ पे ग्रीनरी आता है गुलमर्ग में। ये देखो भाई घोड़ा बीच में चल रहा है। भाई कितनी सुंदर है यार ये देखो, ये पूरी वैली। ये लो भाई पूरा कॉन्वे जा रहा है ये देखो। और इसीलिए रिस्पेक्ट के लिए हमने गाड़ी रोक दी है। तो भाई फाइनली हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं। आपको वैली दिखाता हूँ। ये देखो भाई वो भीड़। अबे यार ये तो इतनी गाड़ी तो नहीं खड़ी है अभी। देखो रहा मंदिर जिस पर जय जय शिव शंकर की शूटिंग हुई थी ना, ये मंदिर है ये रहा। हटो हटो हटो, यहाँ गाइस हमारा तरबूज कट रहा है जाने से पहले। मार्केट में बैठे हैं अभी खाने पीने के लिए। बाबूजी हमारे कार्ड, बाबूजी यहाँ पे भाई ये वैली सारी। और वो रहा वो टेम्पल जय जय शिव शंकर वाला ये रहा। और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको रोप वे। कितनी दूर बता रही रोप वे यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। तो कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं भाई रोप वे पर। और वैली इतनी सुंदर, मतलब सोनमर्ग भी फेल हो गया है ये लगा लो। भाई हमारे आगे भी एक बहुत बड़ा व्लॉगर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ सरप्राइज। अंकित कितना प्यारा व्यू आ रहा तेरा यार। सही बताऊँ यार सोनमर्ग से मुझे ज़्यादा अच्छा गुलमर्ग लगा। सोनमर्ग में बर्फ़ भी गंदी थी, यहाँ पर तो बिल्कुल साफ दिख रही है। ये देखो बैक है ना। और सही में ही अच्छी ATV बाइक्स भी हैं, घोड़े भी। लेकिन यार यहाँ के टूरिस्ट को कितना तंग करते हैं लोकल, हमें आज पता लग गई। बस थोड़ा सा रह रहा हरियाणा वालों का जूता हुआ जाता था बढ़िया वाला, पर ये शर्म लगा लेते हैं यार। वो भी टूरिस्ट कल को बुराई करेंगे वहाँ जाके हमारे स्टेट की और लोगों की, तो इसलिए फिर हम भी चुप लगा के में लड़ाई हो जाए कहीं। सुंदरता एक नंबर है भाई,
हरियाणा वालों की तरह कहते एक नंबर। ये है भाई गंडोला राइड की स्टेशन। स्टेशन में यार दो दो घंटे की लाइन रहती है, आज तो फिर भी कम है उस हिसाब से। भाई हम जैसे स्टेशन से निकले ना तो हमारे सामने वो G20 का वो होटल है जहाँ पे मीटिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पे वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी क्योंकि कोई आतंकवादी गतिविधि की हाँ इनपुट आया था, तो आर्मी वालों ने यहाँ पे कैंसिल करा दी थी। पर ये देखो सारे फ्लैग ही रहे और अपना देश का ये रहा। भाई लाइन में लगे पड़े हैं देखो, पर किस्मत अच्छी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, खाली पड़ा आज। भाई मैं डेडी रह गए यार। सो ये है भाई वो ट्रेन, ये देखो कंटिन्यूटी चलती रहेगी और सीधी फेज वन। अंकित फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हो, कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट हो बहुत, मजे आएंगे। मतलब 2.5 किलोमीटर लगभग ऊंचाई के उसमें है ये बेस पे, देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म। और देखिए खराब पड़ी है, ये खराब है ये सारी की सारी। चढ़ने में डर नहीं लगा वो? हाँ उतरने में डर लगा, उतरने में या तो चढ़ने में स्पीड पकड़ी है फरारी वाली। ये बात वापस ओ ब्लॉगर चुप है जा, मेरे कंटेंट कॉपी मत करे कर तू। बाबूजी हां जी बाबूजी देखो भाई ओ वहां देखो सामने ब्यूटी है तुम, बैक साइड में ये सही में ना, बैक साइड में ज्यादा सही में सुंदर है यहाँ तो। ओ ये खुल जाते हैं भी, रहने दो खिड़की खुल जा, कोई उल्टा ही पड़ जाए सारा सिस्टम, खिड़की खुल जाए यार। भाई वाह अंकल, ओली वाले से ज्यादा बढ़िया सही में। ओ अंकल पीछे बैक में यार, ये देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे भी गांव है इतनी ऊंचाई पे और बर्फ में। हाँ बर्फ में सारे नीचे हैं भाई, बोल हम भी लाए हैं, बैठ तो नहीं है घोड़े वाले को। ये देखो भाई वाह, घोड़े वाले को पता क्या होता है, हाँ ले जाएंगे यहाँ खड़ा कर देंगे। सर देखो आपको ना एक स्लीपिंग लेडी दिखाएंगे, ये पॉइंट है ओली वाला, आपको पहाड़ दिखाई देगा जैसे लेडी ऐसे लेट रही हो आपको सर, आप दिखाएंगे हम एलिफेंट। हाँ ओली वाला एलिफेंट जो मंटे जो भी है पहाड़, तो अगर ये पॉइंट वहां से आप आराम से दिख सकते हो, आप दिखाएंगे हाथी ये बन रहा हाथी ये बन रहा है। आगे दिखाएंगे सर आपको बर्फ। देखो यहाँ से आगे घोड़ा नहीं, आपको पैदल जाना पड़ेगा, पागल बनाएंगे मतलब पॉइंट कुछ नहीं होते इनके, पत्ती बनाते हैं 2000 की है बस और कुछ भी नहीं है। सो भाई ये आ गया फेज वन, यहाँ पे उतरेंगे यार, कितनी बढ़िया फेस टू की रोप यही है सेम, फेस टू भी आप यहीं से जाओगे। भाई यहाँ पे कुछ लोगों का खून फूका जा रहा है कोसी वालों का, ये हम बढ़िया तरह खून फूक रहे हैं इनका जैसा हो सके। और यार अंकल पता नहीं पीछे लटक जाते, और आपको फेस टू दिखाऊं, ये देखो वो रहा भाई फेस टू, लेकिन इसकी टिकट नहीं हो पाई यार, और हम बर्फ में बहुत ज्यादा जा चुके हैं तो बिल्कुल भर चुके हैं, इसलिए हम दूर से देख रहे हैं इसको और बहुत ही सुंदर है। ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं लेकिन पता है मम्मी यार नहीं कर पाएंगे भाई, हम एक बार को कर भी लेंगे थोड़ी सी पर मम्मी की थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी देखो ये जा रही ट्रेन, और ये देखो तुम्हें वो दिखाऊं व्यू 0.5 में, ये देखो ये रहा, और ये ट्रेन का स्टेशन। गाइस डैडी कुछ तूफानी करने वाले हैं, और तूफानी क्या है वो जरा देखना, माउंटेन डिपी का रिस्क ले रहे हैं। गाइस हमारे जो साथ के ना घोड़ों पे बैठ गए, और डैडी को ऐसी आवाज निकालनी आती है कि घोड़े भागने लग जाएंगे। हां हां मजा आएगा। इतनी एनर्जी एक बार कर चारे जानवर जानवर बैठता है ना सुनी लगी बात है, चारों लोग आवाज गूंजेगी। भगवान देख रहा भाई ज्यादा वैसी इतना की ज्यादा वैसी इतनी इतनी बड़ी आपने वो कर दी है। तो गाइस इतना ऊपर चढ़ने के बाद एक और चढ़ाई बहुत मजा आ रहा भाई, बहुत ज्यादा मजा। गुलमर्ग इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, नॉट अ स्विट्जरलैंड कैन गिव एनी कॉम्पिटिशन टू दिस प्लेस। अरे इंग्लिश तो नहीं बोलती मैंने एक लाइन में, वाह रेडी
ये तो कुछ नया था माँ, मुझे कुछ नहीं रहा है माँ, माँ मुझे इंग्लिश आ गई माँ। ओ भाई कितनी ऊंचाई पे पता है, 3000-4000 की पे और ऊपर ही होंगे, पसीने आ रहे हैं पर मज़ा उससे ही बढ़िया। अब दिखाता हूँ वो जन्नत से आगे, घोड़ों से वगैरह जो भी जिसको जाना था ना वो कहे, मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं और हम पैदल पर थोड़ी सी दूर और आए हैं और आपको जन्नत दिखाऊं। ये देखो पीछे सारा का सारा जो कुछ है ना वो ये रहा, मतलब आप 5 मिनट का रास्ता अगर हम पैदल पैदल भी जाएं, और उसके लिए लगा लो लोग कितने बेवकूफ़ बनाए जा रहे, लेकिन बहुत ही सुंदर है यार। और ट्रैकिंग करके तो मतलब अलग ही मज़ा आ गया भाई साहब, यहाँ पे चिप्स खा रहे बैठ के और हमारे यहाँ अच्छी रील बनाने निकले यहाँ पे, फिर इसके बाद शाम को हमारा कहीं और कपड़े लेने, इसलिए मैंने रील के लिए ये टी शर्ट चेंज कर ली है। चल आके हम दो दो टी शर्ट पहले रख रहे हैं बैग में, जैसे वो बता रहे ठंड है ना यार, ठंड वैन कुछ नहीं भाई, मैंने इनसे पहले बोला था जैकेट दिला रहे थे, मैंने की जैकेट कुछ नहीं, ट्रैक सूट रख के लाए थे मैं तो अपना, अगर थोड़ी बहुत ठंड होती तो ये उनको अपने ऊपर डाल लेते, मुझे पता है भाई मैं तो बहुत गया हूँ बर्फ में, मुझे पता है बिल्कुल भी ठंड नहीं रहती ऊपर, और जितनी ऊपर धूप आ जाती है ना फिर चुभती और है वो, बोलते बोलते सांस खुल गया राम। तो ये देख लो भाई एक बार और, ये देखो और वो बैठे पाई और माँ, और कहाँ गए भाई, अरे कहाँ गए, अरे वे बैठे लबर्स, कहाँ लबर्स दे ये रे। हाँ। भाई आप देखो एक बार इसको, ये है सारा गुलमर्ग भाई, लास्ट में हम पे नहीं रहा गया। अंकित का बहुत मन है यार यहाँ पे आने का, सही में वो ये कह रहा है भैया कश्मीर में आया हूँ बर्फ के लिए हूँ, अब ज़्यादा दूर है नहीं, आधा किलोमीटर था, तो फाइनली हम आ गए हैं सिर्फ इसके लिए, वरना मेरा मन नहीं था पर इसके लिए यार इतनी दूर आया भाई, इसको दिखाना बनता है। और ये रहा हैप्पी ब्रो, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अब करना, पैर पहली बार बर्फ में पड़ने वाले हैं, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, 1 2 3 ये फाइनली अंकित बर्फ में पड़ चुका भाई, ओ माय गॉड। अंकित पता कैसे लग रहा है, अब हाथ लगा ले थोड़ा सा इसको, लगा हाथ, हाथ लगा, मौज ले मौज ले मौज ले गाइस, हमारे पड़ोसियों में दिख चुकी है, आइए ये बात बहुत मजा आ रही है। तो फाइनली भाई अंकित का ड्रीम पूरा हो गया कश्मीर आने का, जो मेन मकसद था। अब अंकित इससे आगे क्या रह गया, इस साल कुछ भी नहीं रहा अंकित के पास, अंकित का हो गया, अब अंकित पटेगा। चलो भाई भाई अब एंजॉय करते हैं, बाय।